हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर लेके आए हैं, जो कि सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। ठीक है ना, काय का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर भी बहुत अच्छा है और पूरा देखेंगे इसको, लास्ट तक देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है इसमें। ठीक है, और बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। ठीक है ना, तो सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट हो गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है इसमें और पेपर देने से पहले इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक देखेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोस एंड नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। ठीक है, और देखेंगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है लेखांकन प्रमाण है। ठीक है, तो लेखांकन प्रमाण क्या है जल्दी से इसको बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है जल्दी से देखेंगे और जल्दी से बताएंगे इसको। लेखांकन प्रमाण है, तो लेखांकन प्रमाण क्या है, चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है नीतिगत प्रलेख, दूसरा ऑप्शन दिया है आचार संहिता, तीसरा ऑप्शन दिया है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है देख सकते हैं इसमें, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, राइट आंसर जो रह सकता है वो क्या रह सकता है, देखो लेखांकन प्रमाण है यानी कि नीतिगत प्रलेख तो है ही और आचार संहिता भी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, जब ये दोनों राइट हैं तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो उसको देख लेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है जब सरकार इसके लिए निर्देश दे, दूसरा ऑप्शन दिया है किसी लेखा मानक का अनुपालन करने के लिए, तीसरा दिया है वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से राइट आंसर देख सकते हैं, देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। क्यों, क्योंकि दिया है लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो देखो जब सरकार इसके लिए निर्देश दे, जब सरकार निर्देश देगी तभी तो परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन दिया है, किसी लेखा मानक का अनुपालन करने के लिए। ठीक है ना, जब किसी लेखा मानक का अनुपालन होता है तो हमें सरकार की मदद चाहिए होती है, उसका निर्देश चाहिए होता है। ठीक है, तभी कहते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, वित्तीय विवरणों के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए, यानी कि जो विवरण दिए हुए हैं उससे बेहतर हम कर सकें उसके लिए जो है निर्देश देगी सरकार। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन राइट है, तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा आपकी स्क्रीन पर, लेखा मानक से हॉर्स लेखांकन निम्नलिखित पर लागू होता है। ठीक है ना, लेखा मानक सिक्स हॉर्स लेखांकन निम्नलिखित पर लागू होता है, तो जल्दी से बताएंगे। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है उसको देखेंगे और जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रह सकता है इसमें। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर कौन सा रह सकता है, ऑप्शन देख सकते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया है प्लांट व मशीनरी, दूसरा दिया है ख्याति, तीसरा दिया है पशुधन और चौथा दिया है वन संपदा। ठीक है, तो राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहेगा, तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, प्लांट व मशीनरी, प्लांट व मशीनरी हमारा राइट आंसर रहेगा, प्लांट व मशीनरी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, दिया है लेखा मानक सेवन निर्माणी ठेकों का लेखांकन के अनुसार आगम को निम्नलिखित आधार पर मान्य किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा,
इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे और जल्दी से देखेंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है ठेके की पूर्णता तथा पूर्णता का प्रतिशत, दूसरा दिया है वस्तुकार का प्रमाण पत्र, तीसरा दिया है ठेकादाता से प्राप्त भुगतान और चौथा दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, जो कि कह रहा है ठेके की पूर्णता का प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन दिया है लेखा मानक 7 निर्माणी ठेकों का लेखांकन के अनुसार आगम को निम्नलिखित आधार पर मान्य किया जाता है, तो किसके, ठेके की पूर्णता का प्रतिशत के आधार पर मान्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है लेखा मानक 7 आगम की मान्यता निम्नलिखित में से किस मद से संबंधित है, सॉरी किस मद से संबंधित नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लेखा मानक 7 आगम की मान्यता निम्नलिखित में से किस मद से संबंधित नहीं है, जल्दी से राइट आंसर देंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है माल की बिक्री के आगम की मान्यता, दूसरा दिया है सेवाएं प्रदान करने पर आगम की मान्यता, तीसरा दिया है ब्याज लाभांश और अधिकार शुल्क के आगम की मान्यता और चौथा दिया है स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर आगम की मान्यता। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा इसका जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से तो देखेंगे, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर आगम की मान्यता, ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेगा और क्लास को शेयर करते रहेगा, सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, तो आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत ही मजेदार वीडियो है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेखा मानक 10 स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन के अनुसार एक ऐसी संपत्ति जिसे सक्रिय प्रयोग से हटा लिया गया है और जिसे निस्तारण के लिए रखा गया है, वो निम्नलिखित पर दर्शाया जाना चाहिए, तो किस पर दर्शाना चाहिए जल्दी से, किस पर दर्शाना चाहिए जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर मार क्या रहेगा, देखो पहला ऑप्शन दिया है शुद्ध पुस्तक मूल्य, दूसरा दिया है शुद्ध वसूली मूल्य, तीसरा दिया है शुद्ध पुस्तक मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य जो दोनों में कम हो। ठीक है, चौथा दिया है शुद्ध पुस्तक मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य जो दोनों में अधिक हो, तो जल्दी से इसका राइट जवाब देंगे, राइट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है, देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर दिया है शुद्ध पुस्तक मूल्य। ठीक है, शुद्ध पुस्तक मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य जो दोनों में कम हो। ठीक है, जो कि दोनों में कम हो, दिया है लेखा मानक 10 स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन के अनुसार एक ऐसी संपत्ति जिसे सक्रिय प्रयोग से हटा लिया गया है, ठीक है, और जिसे निस्तारण के लिए रखा गया है, को निम्नलिखित पर दर्शाया जाना चाहिए, तो किस पर, ऑप्शन नंबर सी शुद्ध पुस्तक मूल्य या शुद्ध मूल्य या शुद्ध वसूली मूल्य जो दोनों में कम हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आपकी स्क्रीन पर, लेखा मानक 11 के अनुसार विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का परिवर्तन करते समय स्थायी संपत्तियों को निम्नलिखित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी दर पर परिवर्तित किया जाता है, चार ऑप्शन दिया है, राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे, इसको जल्दी से बताएंगे कि राइट आंसर क्या रह सकता है। पहला दिया है प्रारंभिक दर, दूसरा दिया है अंतिम दर, तीसरा दिया है औसत दर और चौथा दिया है व्यवहार की तिथि की दर। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहेगा हमारा जल्दी से बताएंगे, इसको जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रह सकता है।
देखेंगे, हम देख सकते हैं इसमें, हम देख सकते हैं इसमें कि हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, व्यवहार की तिथि की दर। ठीक है, व्यवहार की तिथि की दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले क्लास को लाइक करते रहेगा, शेयर करते रहेगा और वीडियो को लाइक करते रहेगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेखा मानक 13 विनियोगों के लिए लेखांकन के अनुसार चालू विनियोगों को निम्नलिखित पर दर्शाया जाता है, किस पर दर्शाया जाता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे। देखो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है विनियोगों की लागत, दूसरा दिया है बाजार मूल्य, तीसरा दिया है लागत या उचित मूल्य जो दोनों में कम हो, तीसरा चौथा दिया है लागत या उचित मूल्य जो दोनों में अधिक हो। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, लागत या उचित मूल्य जो दोनों में कम हो, जो दोनों में कम हो। ठीक है, लागत या उचित मूल्य जो दोनों में कम हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपकी स्क्रीन पर दिया है, भारतीय लेखांकन मानकों को कौन जारी करता है, भारतीय लेखांकन मानकों को कौन जारी करता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देंगे जल्दी से, राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देख सकते हैं भारतीय लेखांकन मानकों को कौन जारी करता है, तो राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या रहेगा। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय चार्ट लेखांकन संस्थान। ठीक है, भारतीय चार्ट लेखांकन संस्थान ये जारी करता है। ठीक है, भारतीय लेखांकन मानकों को कौन जारी करता है, भारतीय चार्ट लेखांकन संस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है लेखा मानक 14 एकीकरण के लिए लेखांकन के अनुसार क्रय प्रतिफल वह मूल्य है जो निम्नलिखित को दिया जाना तय हुआ है। ठीक है, जो निम्नलिखित को दिया जाना तय हुआ है, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देंगे जल्दी से, राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं इसके, चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है हमारा अंशधारी, दूसरा ऑप्शन दिया है अंशधारी एवं ऋण पत्रधारी, तीसरा ऑप्शन दिया है अंशधारी कमा ऋण पत्रधारी व लेनदार, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर कौन सा रह सकता है, देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, अंशधारी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, अंशधारी। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, आपकी स्क्रीन पर देख लेंगे उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 1 अप्रैल 2022 तक लेखा मानक बोर्ड द्वारा निर्गत लेखा मानकों की संख्या है कितनी है, जल्दी से इसको बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है 15, दूसरा दिया है 29, तीसरा दिया है 32 और चौथा दिया है 41। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जल्दी से राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर देंगे जल्दी से। देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, 32 यानी कि 32। ठीक है, 32 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 1 अप्रैल 2022 तक लेखा मानक बोर्ड द्वारा निर्गत लेखा मानकों की संख्या है तो कितनी है, 32 यानी कि 32 संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लेखा मानक 25 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग इस अवधि के लिए होती है तो कितनी होती है, जल्दी से देख लेंगे, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है 3 माह, दूसरा दिया है 6 माह और तीसरा दिया है 1 पूर्ण लेखा वर्ष से कम अवधि और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा इसका जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। लेखा मानक 25 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार अंतरिम
वित्तीय रिपोर्टिंग इस अवधि के लिए होती है, तो कितनी होती है जल्दी से अवधि बताएंगे, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें से, तो देखेंगे हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, एक पूर्ण लेखा वर्ष से कम अवधि, ठीक है ना, एक पूर्ण लेखा वर्ष से कम अवधि, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्लास को शेयर करते रहेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेगा साथ साथ में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिया है, लेखा मानक 26 अमूर्त संपत्तियों के अनुसार अंतरिम रूप से सृजित ख्याति का लेखा, ठीक है, लेखा कैसे होता है, जल्दी से राइट आंसर देंगे, राइट आंसर देंगे जल्दी से, चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, पहला दिया है नहीं किया जाता है, दूसरा दिया है सृजित करने की लागत पर किया जाता है, तीसरा दिया है विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन पर किया जाता है, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका जल्दी से बता देंगे, तो देख सकते हैं इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है लेखा मानक 26 अमूर्त संपत्तियां के अनुसार अंतरिम रूप में से सृजित ख्याति का लेखा नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट साथ साथ में देखते रहिएगा, इंग्लिश में भी दिया है और इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहिएगा साथ साथ में। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति की स्थापना कब की गई, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक की समिति की स्थापना कब की गई थी, तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चारों ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है सन 1900 में, दूसरा दिया है सन 1947 में, तीसरा दिया है सन 1950 में, और चौथा दिया है सन 1973 में, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा उसको बताएंगे जल्दी से, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला उसको जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, सन 1973, ठीक है, इन द ईयर 1973, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना कब की गई, कब की गई थी, जल्दी से इसका राइट जवाब देंगे सभी लोग, सभी लोग इसका राइट जवाब देंगे, चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, पहला ऑप्शन दिया है 1975 में, दूसरा दिया है 1976 में, तीसरा दिया है 1977, और चौथा दिया है 1999 में, ठीक है ना, तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से राइट आंसर क्या रहने वाला है उसको बताएंगे, चार में से राइट आंसर कौन सा रह सकता है जल्दी से, तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, सन 1977 में, ठीक है, सन 1977 में हमारा राइट आंसर रहने वाला है, दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखांकन प्रमाण बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, सन 1977 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों की सूची कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों की सूची कितनी है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है 38 यानी कि 38, चौथा दिया है 40 यानी कि 40, और तीसरा दिया है 41 यानी कि 41, और चौथा दिया है 42 यानी कि 42, ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहिएगा साथ साथ में, तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 41 यानी कि 41 हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन दिया है अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों की सूची कितनी है,
तो कितनी है 41 सूची है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का कब निर्माण किया गया। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का निर्माण कब किया गया। तो इसका निर्माण कब किया गया था, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, पहला ऑप्शन दिया है सन 1970 में, दूसरा ऑप्शन दिया है सन 1973 में, तीसरा ऑप्शन दिया है सन 1975 में, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे, हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी 1973 में। ठीक है, 1973 में हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति का कब निर्माण किया गया, तो 1973 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या रहेगा, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे क्या रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल का प्रधान कार्यालय कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है लंदन, दूसरा दिया है अमेरिका, तीसरा दिया है मुंबई, और चौथा दिया है कोलकाता। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए लंदन। ठीक है, लंदन हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा, ऑप्शन नंबर ए लंदन। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वो क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल में संचालक मंडल कितने हैं। जल्दी से बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल में संचालक मंडल कितने होते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, चार ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 8, दूसरा दिया है 10, तीसरा दिया है 12, और चौथा दिया है 14। ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ना, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी 14, यानी कि 14 है। ठीक है, 14 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। दिया है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल में संचालक मंडल कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 14 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप 5 कब जारी किया गया, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप 5 कब जारी किया गया। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए हैं इसके सामने, इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हैं, देखेंगे। पहला दिया है नवंबर 1975, दूसरा दिया है अक्टूबर 1976, तीसरा दिया है जनवरी 1978, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या रहने वाला है उसको जल्दी से देख के बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या रहेगा। तो हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1976, अक्टूबर 1976 हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर दिया है, उसको देख सकते हैं, और साथ साथ में इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहिएगा, अक्टूबर 1976। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप 16 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन दिया है परिसंपत्ति प्लाट व उपकरण, दूसरा दिया है कार्य की संपत्ति, तीसरा दिया है संपत्तियों पर हानि, और चौथा दिया है अमूर्त संपत्तियां। तो चार ऑप्शन दिया है, राइट आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बता देंगे।
देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, परिसंपत्ति प्लांट व उपकरण, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। देखो और इंग्लिश वाले से देख सकते हैं, एसेट प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना, इक्विपमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिसंपत्ति प्लांट व उपकरण, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, दिया है भारत में क्वेश्चन नहीं है, ये दिया है, ये क्वेश्चन किन के ऊपर है वो दिया है, देख सकते हैं हम, भारत में लेखा शास्त्र के जनक श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, ठीक है, सन 1959 से 1940 तक, ठीक है, इनकी जो कार्यकाल था वो क्या था, सन 1859 से 1940 तक, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे इनके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में वाणिज्य एवं लेखांकन शिक्षा का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। भारत में वाणिज्य एवं लेखांकन शिक्षा का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है, राइट आंसर इसका बताएंगे जल्दी से। पहला ऑप्शन दिया है श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, दूसरा दिया है लुक्का पास्योली, तीसरा दिया है माल्थस और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है उसको देखेंगे और जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि हमने यहां पर पढ़ा है, ठीक है, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारे आने वाली वीडियोस एंड नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट, जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 1670 में, दूसरा दिया है 1659 में, तीसरा दिया है 1680 में और चौथा दिया है 1820 में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है जल्दी से बता देंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1659 में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1659 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, 1659 में, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर मुंबई विश्वविद्यालय में कितने वर्ष तक सेवारत रहे, इन्होंने क्या क्या मुंबई विश्वविद्यालय में कार्यकाल भी रहा था इनका, यानी कि ये टीचर्स भी रहे थे, तो बताएंगे कि कितने वर्ष तक सेवारत रहे थे वो वहां पर, कितने वर्ष तक उन्होंने वहां पर सेवा की थी। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन दिया है 20 वर्ष, दूसरा दिया है 30 वर्ष, चौथा दिया है 35 वर्ष और सॉरी तीसरा दिया है 35 वर्ष और चौथा दिया है 40 वर्ष। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से देखेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष सेवारत रहे थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी हमारा राइट आंसर रहेगा। दिया है श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर मुंबई विश्वविद्यालय में कितने वर्ष तक सेवारत रहे, तो कितने वर्ष तक रहे थे, 30 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है श्री के एस अय्यर, ठीक है ना, श्री के एस अय्यर को सोसाइटी ऑफ
इनकॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स एंड ऑडिट्स के एसोसिएट पद पर कब चुना गया? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? श्री के एस अय्यर, कह सकते हैं श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, ठीक है ना। पूरा नाम क्या है? श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर को सोसाइटी ऑफ इनकॉर्पोरेट अकाउंटेंट्स एंड ऑडिट्स के एसोसिएट पद पर कब चुना गया? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है 1890, दूसरा दिया है 1900, तीसरा दिया है 1925 और चौथा दिया है 1935, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 1890, 1890 हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा 1890। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्री के एस अय्यर ने, दिया है श्री के एस अय्यर ने बुक कीपिंग पर पुस्तक कब लिखी? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। श्री के एस अय्यर ने बुक कीपिंग पर पुस्तक कब लिखी? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। पहला ऑप्शन दिया है 1870, दूसरा दिया है 1890, तीसरा दिया है 1915 और चौथा दिया है 1920, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है उसको देखेंगे और जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1890 हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, 1890 राइट आंसर रहेगा। दिया है श्री के एस अय्यर, ठीक है, ने बुक कीपिंग पर पुस्तक कब लिखी, कब लिखी थी, सन 1890 में लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है देखेंगे, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दिया है श्री के एस अय्यर ने अपनी फर्म की शुरुआत कब की, अपनी फर्म की शुरुआत कब की, कौन से सन में की थी, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। श्री के एस अय्यर ने अपनी फर्म की शुरुआत कब की, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सन 1990 में की थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, सन 1990। इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखते रहेगा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देखते रहेगा साथ साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सभी इसमें से ही आना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे पूरी वीडियो को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो देखेंगे अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखेंगे। श्री के एस अय्यर द्वारा खोले गए पहले कॉलेज का नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। श्री के एस अय्यर, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। पूरा नाम तो पता ही है सभी लोगों को, श्री के एस माने कल्याण, एस माने सुब्रमणि, ठीक है ना। तो श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर द्वारा खोले गए पहले कॉलेज का नाम क्या था, जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया है हमारा नाइट स्कूल ऑफ कॉलेज, दूसरा दिया है मुंबई कॉलेज, तीसरा दिया है मद्रास कॉलेज और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या रहेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाइट स्कूल ऑफ कॉलेज, नाइट स्कूल ऑफ कॉलेज हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाइट स्कूल ऑफ कॉलेज हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को देखिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, ठीक है,
और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो कि हमारी आने वाली वीडियोज एंड नई नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, जय हिंद।